नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फ्री फायर नामक ऑनलाइन गेम के चक्कर में तीन नाबालिग घर से भागे। दूसरी शादी के विवाद में एक युवक ने अपने ही भाई की हत्या। शेगांव स्वच्छता का संदेह देने के उद्देश्य से मैराथन का आयोजन। आइए देखते हैं खबर अब विस्तार में। फ्री फायर नामक ऑनलाइन गेम के चक्कर में तीन नाबालिग घर से भागे। फ्री फायर नामक ऑनलाइन गेम के चक्कर में तीन नाबालिग के घर छोड़ने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तीनों नाबालिग नासिक में मिले हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों नाबालिग 15, 16 और 17 वर्ष की आयु के हैं और प्रताप नगर पुलिस थाने के गोपाल नगर परिसर में रहते हैं। तीनों ही नाबालिग 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और एक दूसरे के अच्छे मित्र भी है। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद है और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर तीनों ही छात्र अपने घर में फ्री फायर ऑनलाइन गेम के आदि हो गए थे। हालांकि उनके इस व्यसन पे उनके परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद तीनों नासिक में मिले। तो वही दूसरी ओर दूसरी शादी के विवाद में एक युवक ने अपने ही भाई की हत्या। अमरावती के मालपुरा में रहने वाले कैलाश गजबिये ने कुछ साल पहले शादी कर ली थी, लेकिन कैलाश को बच्चा न होने की वजह से ही वह चिंता में था तथा उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। जब कैलाश के भाई को इसकी जानकारी मिली तब दोनों के बीच में बहस हुई और जब बहस बढ़ गई तो कैलाश ने अपने भाई को मार डाला। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वही तीसरी ओर शेगांव स्वच्छता का संदेश देने के उद्देश्य से मैराथन का आयोजन। स्वच्छता के प्रति जन जागृति हो इसके लिए शेगांव शहर के शेगांव नगर पालिका ने मैराथन का आयोजन किया। नगर अध्यक्ष कमलाताई भुज, मुख्य अधिकारी शेर के और कई सदस्य इस दौरान उपस्थित थे। इसके अलावा बच्चे और बुजुर्गों के साथ करीब 1000 से ज्यादा नागरिकों ने मैराथन में भाग लिया। विविध चरणों में मैराथन रेस आयोजन हुई। अंत में विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।